सुबह उठते ही क्या करना चाहिए, मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपका दिन अच्छा तब जाएगा जब आप उससे पिछले दिन की रात संभाल लेंगे। ये वीडियो बहुत कमाल का है जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 ऐसी चीजें जो अगर आप रात को 9 बजे के बाद कर गए, देन आपका दिन कमाल का जाएगा, लाइफ कमाल की जाएगी, और अगले 7 दिन अगर आपने ये 7 बातें फॉलो कर ली, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी लाइफ में इस तरह के परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन से वो 7 काम हैं जो रात को 9 बजे के बाद आपको जरूर करने चाहिए ताकि आप अपनी मनचाही जिंदगी जी पाएं और कमाल की लाइफ को एंजॉय कर पाएं। पहली चीज, रिलैक्स एंड रिजुविनेट। सारा दिन आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमारा माइंड लगातार एक्टिव रहता है, हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमें 5 मिनट की एक शटडाउन प्रोसेस जरूर करनी चाहिए। आप कभी भी देखेंगे लैपटॉप हो या मोबाइल हो, जब आप उसे ऑफ करते हैं ना तो वो कुछ सेकंड का समय लेता है, तब जाकर ऑफ हो जाता है। वैसे ही आपको भी पूरे दिन के काम के बाद अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए शाम को 5 मिनट का समय जरूर लगाना चाहिए खुद को रिलैक्स और रिजुविनेट करने के लिए। बहुत आसान सा एक प्रोसेस है, आप समझेंगे और करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा पहली बार जब आप करेंगे तभी से। करना क्या है, किसी शांत सी जगह में, अपने घर के किसी ऐसे कॉर्नर में 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए जहां पर थोड़ी शांति हो। अब आपको अगले 5 मिनट के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करना है, इनहेल एक्सहेल इसको आपको नोटिस करना है। ऐसा बोलते हैं दिन में हम शायद 15,000-20,000 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो चलिए 5 मिनट थोड़ा अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस के साथ करते हैं। तो आप क्या करेंगे, हर बार जब आप इनहेल करें तो चुपके से 1 बोल दीजिए, जब आप एक्सहेल करें तो 2 बोल दीजिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपकी अपनी रफ्तार, आपकी अपनी सांसें, कुछ भी नहीं करना आपको, कोई भी विचार आएगा नहीं आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपनी सांसों को कॉन्शियसली इनहेल करिए, कॉन्शियसली एक्सहेल करिए। अब होगा क्या, आपकी काउंटिंग शायद 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 तक चली जाएगी, उसके बाद कोई विचार आ गया या शायद आप काउंटिंग भूल जाएंगे, तुरंत मुस्कुराते हुए जेंटली वापस उस सेम काउंटिंग पे दोबारा आ जाइए और 1 से शुरू करिए। 5 मिनट आप करिए, आपकी पूरे दिन की थकान इस बेसिक सी एक्टिविटी से एकदम सेटल हो जाएगी एंड यू विल फील रिलैक्स्ड एंड रिजुविनेटेड। आज कमाल की 7 चीजें मैं बताने वाला हूं, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। 7ों की 7ों ना सही, अगर आप 3-4 भी अडॉप्ट कर पाए ना, इट कैन टोटली चेंज क्वालिटी ऑफ योर लाइफ माय फ्रेंड। दूसरा काम जो आपको जरूर करना चाहिए और ये भी आपसे 5-10 मिनट लेगा, इसे मैं बोलता हूं रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। जैसे ही आप ये 5 मिनट की एक्टिविटी खत्म कर लेंगे जो मैंने नंबर 1 में आपको बताई है, अब आपको करना क्या है, उसी रिलैक्स से स्टेट में आप एक बार अपने पूरे दिन को दोहरा लीजिए, घंटे बाय घंटे, आवर बाय आवर, आपने क्या क्या किया पूरे दिन में। और जैसे ही आप ये कर लेंगे 30-40 सेकंड में, तो आपको अपने आप से 4 सवाल पूछने हैं। आप चाहें तो इन सवालों के जवाब किसी डायरी या जर्नल में लिख सकते हैं, या फिर चाहें तो सिर्फ सोच लीजिए तब भी काफी है। पहला सवाल, आज पूरे दिन में 3 ऐसी कौन सी चीजें हुई जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, 3 things for which you are grateful today. दूसरा सवाल, आज आपने 3 ऐसे कौन से काम किए, छोटे हो या बड़े हो फर्क नहीं पड़ता, आपने आज 3 ऐसे कौन से काम किए जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाने में मददगार रहे, 3 things that you did today that moved you towards your goal. क्या आपने आज ऐसा कोई काम किया जिसकी शायद जरूरत ही नहीं थी, ना करते तो और बढ़िया हो जाता, आप आगे से उसे करना बंद कर सकते हैं, ऐसा कोई काम 1, 2, या 3 काम जो आपने यूं ही बेकार में कर लिए, करने ही नहीं चाहिए थे। चौथा सवाल, बेहद सरल, की लर्निंग्स फॉर टुडे, आज के दिन से आपने क्या 1 चीज सीखी। ये 4 सवाल आप खुद से पूछिए, नंबर 1, 3 चीजें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं,
तीन चीजें जो आपने अच्छी की जिससे आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए। कोई ऐसा काम जो आपने किया जो आपको लगता है यूं ही कर लिया, छोड़ सकते थे। चौथा, आज के दिन से आपने क्या कमाल का सीखा। जब आप इन चारों को देखेंगे और ये लर्निंग्स जब आप कई दिन लगातार करेंगे, ये चीजें आपको कमाल का एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान इंसान बनाएंगी। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, आप गलतियां कर करके ग्रो नहीं करते हैं, आप गलतियों से सीख कर ग्रो करते हैं। सीखेंगे कैसे? रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। दो बातें बता चुका हूं, पांच और बताने वाला हूं। 7 दिन आप करिएगा, आपको 7 दिनों के अंदर कमाल के परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और बहुत आसानी से कोई भी इंसान कर सकता है। जब आप रात का खाना खाएं ना, तो फोन को दूर रखिएगा और खाने को ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ खाइएगा। देखिए, सुबह से शाम तक आप और मैं क्यों मेहनत करते हैं? अच्छे जीवन के लिए। अच्छे जीवन का मतलब क्या है यार? 3 टाइम का खाना मिल जाए, अपने पास एक बढ़िया घर हो, फैमिली हो, हेल्थ हमारी अच्छी हो। आपके पास ये सब है। आपके पास एक घर है जहां आप जा सकते हैं, खाना आपको मिलता है, परिवार आपके साथ है, हेल्दी आप हैं, तो क्यों नहीं भगवान का शुक्रिया अदा किया जाए। जब आप खाने को ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के भाव के साथ खाते हैं ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसमें आनंद ही अलग होता है। आप ये करके देखिएगा। और जब भी आप खाने को बैठें, रात को तो खास तौर पे, बट दिन में भी अपने फोन को थोड़ा दूर रख दें, तो ये तीसरा काम आप ट्राई करके देखिएगा। ऐसे 1-2-3 नहीं, हजारों लोग मैं जानता हूं जिन्हें मैंने ये कहा, जिन्होंने ये किया, और उनका रात को मेरे पास में मैसेज आ गया कि आज का खाना, उसका आनंद एकदम अलग था। तो तीसरी चीज, अपने खाने को जब आप खाएं तो फोन को दूर रखें और ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ खाना खाइए। आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक छोटी सी कैजुअल सी कन्वर्सेशन करनी चाहिए कि उनका दिन कैसा गया। ये कमाल की एक चीज है, 2-4-5-10 मिनट लेती है, लेकिन आपके परिवार वालों के साथ आपका रिश्ता और मजबूत बना के रखती है। सो हैव वन कैजुअल कन्वर्सेशन विद योर फैमिली मेंबर्स और सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना है, आपका दिन कैसा गया। 5वां काम जो आपको रात को जरूर करना चाहिए, 5 मिनट करें, 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, आपकी मर्जी, रीडिंग। अपनी मर्जी की कोई एक किताब आपको रात को सोने से पहले जरूर पढ़नी चाहिए, जो आपको पसंद हो। कोई भारी भरकम किताबें जिसमें कमाल के कॉन्सेप्ट लिखे हैं जरूरी नहीं है, हल्की फुल्की कोई किताबें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रीडिंग आपको कमाल के आइडियाज देगी, इंसाइट देगी, क्रिएटिविटी बढ़ाएगी, रिलैक्स करेगी आपको। और इसके अलावा और बहुत सारे फायदे हैं जो मैं गिना नहीं सकता हूँ इस छोटे से वीडियो में, लेकिन रीडिंग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। रात को सोने से पहले 2-3-5-10 पेज जरूर पढ़ के सोना चाहिए। आप अब तक मेरे साथ वीडियो में रहे हैं, 2 और पॉइंट हैं, जल्दी से कवर करता हूँ, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। 6ठी चीज क्या है? डिस्कनेक्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। देखिए, सोशल मीडिया जिस तरह से डिजाइन किया गया है, एक बात को समझिए, सोशल मीडिया को प्रिंसिपली, फंडामेंटली इस तरह से बनाया गया है कि ये आपको अलर्ट रखे, एक्टिव रखे, एंगेज्ड रखे। सोशल मीडिया को डिजाइन किया गया है, हजारों लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट, उनको करोड़ों रुपए रोज दिए जा रहे हैं ताकि वो ऐसा कंटेंट, ऐसे सिस्टम्स, ऐसे मॉड्यूल्स, ऐसे कलर, ऐसी साउंड, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं ताकि आप कैसे रहें, सोशल मीडिया के साथ हमेशा एक्टिव रहें, अलर्ट रहें, एंगेज्ड रहें। यू नो, आपका माइंड 1-2 घंटे लेता है स्लो डाउन होने में, रिलैक्स करने में, और उस अलर्टनेस से वापस एक कामनेस की तरफ आने में। तो जब भी आप सोने वाले हों, उससे 1-1.5 घंटा पहले आपको लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इन्हें शट डाउन कर देना चाहिए, अपने से दूर कर देना चाहिए। टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। रात को सोने से 1-1.5 घंटा पहले जस्ट डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम टेक्नोलॉजी। 7वां और आखिरी पॉइंट बेहद जरूरी है, इसे मैं बोलता हूं क्विक प्लान फॉर द नेक्स्ट डे। 3-5 मिनट का समय लगाइए और अगले दिन जो आपको जाकर सबसे पहले सबसे जरूरी काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बना डालिए, चाहे तो मोबाइल में बना लें, चाहे तो किसी नोटपैड में बना लें। कल जाते ही सबसे पहला काम कौन सा करना है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा कौन सा है। देखिए, एक लाइन है, आपको बोलता हूं, गौर से समझिएगा। ए प्रोडक्टिव डे स्टार्ट्स द नाइट बिफोर। एक कमाल के बेहतरीन, शानदार दिन की शुरुआत कब होती है? 1 रात पहले। और जब आप ये करेंगे ना, तो एक और कमाल का काम क्या होता है, आपको अपने माइंड को इस चीज पे बिजी रखने की जरूरत नहीं है कि ये आपको याद दिलाता रहे कल सुबह जाते ही ये करना है, कल सुबह जाते ही ये करना है। कई बार आप देखेंगे, अगर अगले दिन आपको कोई जरूरी काम करने है ना, तो आपका माइंड इतना अलर्ट और इतना एक्टिव हो जाता है कि आपको रात को ठीक से नींद ही नहीं आती है।
तो रात को सोने से पहले जब आपने 3 से 5 मिनट लगा के उन कामों की एक छोटी सी लिस्ट बना ली जो अगले दिन आपको जाके करने हैं, तो आपका माइंड रिलैक्स्ड है, क्योंकि याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कागज़ पे सब लिखा है, मोबाइल पे सब लिखा है, जाना है और जाकर करना है। तो ये 7वां काम भी आपको एक बढ़िया शानदार नींद में अच्छी मदद करेगा। तो आज हमने डिस्कस किए 7 ऐसी चीज़ें जो आपको रात को 9 बजे के बाद ज़रूर करनी चाहिए। 7 दिन आप करके देखेंगे, इट विल चेंज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, इट विल चेंज द प्रोडक्टिविटी एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो। 7ों के 7ों को जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। पहला काम, 5 मिनट आपको साइलेंस में बैठना है, ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है और रिलैक्स और रिजुविनेट करना है। दूसरा काम, रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। 4 सवाल आपको खुद से पूछने हैं, 3 चीज़ें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, 3 चीज़ें जो आपने सही की, कोई ऐसी चीज़ जो आप दोबारा नहीं करेंगे, गलत हो गई और आज की खास लर्निंग, वेरी सिंपल। तीसरा, खाना खाएं फ़ोन को दूर रखते हुए ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ। 4था, अपने परिवार के सदस्यों से ये ज़रूर पूछें उनका आज का दिन कैसा गया। 5वां, कोई भी मनपसंद किताब 5, 10, 15, 20 मिनट ज़रूर पढ़ लीजिए। 6ठा, टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट हो जाइए। 7वां, आपको कल क्या करना है उसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए। मेरा दावा है आपसे 7 दिन आप इसको ट्राई करेंगे ना, आपको कमाल के परिणाम मिलेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए 7ों में से कौन सी वो चीज़ें जो अपनी दिनचर्या में आप जोड़ेंगे, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ ज़रूर 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 शेयर करिए, बिकॉज ये एक ऐसा वीडियो है जो आसानी से कोई भी फॉलो कर सकता है और इसके परिणाम बेमिसाल हैं, किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकती है आपके सिर्फ एक शेयर के बटन से। तो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आई हैव 1 ड्रीम 1 गोल, आई want to see you at the top. Chamakte rahiye.